सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 65 कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के 50 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं लेकिन आसान आपके होते नहीं है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। 5 से 7 मिनट में मैं आपको 50 क्वेश्चन ये कवर कराने वाला हूँ सुपर फास्ट स्पीड से। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? कितने टाइम जोन को बांटती है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, 12 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में कौन कौन से अभ्यारण्य है बच्चों? एक आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी, एक आपका नल सरोवर। अति महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कौन सा बच्चों? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बोले तो एसटी। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? इंदिरा गांधी ने 1969 में बच्चों 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा 1971, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फल्ड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? ऑपरेशन फल्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1970, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अर्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है जी, ये किसे कहा जाता है आदि गंगा, बोले तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी को। और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? गोदावरी नदी को, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो कैम्ब्रियन युग में। बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? सतपुड़ा की कौन सी है, नीलगिरी की कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सभी को कवर कराऊंगा। बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, कौन सी है जी? गुरु शिखर, लावे किसके गए थे? गुरु के। अब बात करते हैं सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? धूपगढ़। अब बात करते हैं नीलगिरी की, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों? दोदाव बेटा, क्लियर है जी। अब बात करते हैं किसकी बच्चों? अरावली होगी, सतपुड़ा होगी, नीलगिरी होगी, बस इतना ही रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेगुन मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावार बहुत जबरदस्त होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होती है, काली मिट्टी में या रेगुन मिट्टी में, रेगुर। क्वेश्चन नंबर 11, सामेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बच्चों? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 12, संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा टीटिकाका। ये क्वेश्चन यहाँ एक ये भी बनता है, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित विश्व में कौन सी झील है? टीटिकाका, टी के ऊपर टी बना हुआ है, क्लियर है जी। नौकायान झील भी इसे बोला जाता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी बोला जाता है, कौन सी है जी? टीटिकाका झील। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यदि बात करें भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है बच्चों? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। एक क्वेश्चन बनता है, भारत की कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री तट वाला है? राइट आंसर होता है गुजरात, और सबसे कम कौन सा है जी? गोवा। चार क्वेश्चन बनते हैं सीमा वाले। क्वेश्चन नंबर 14, रामसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील, चील उड़ी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा किस लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है बच्चों, 8 राज्यों से, और कितने डिग्री होती है बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तर की साइड जो रेखा होती है कर्क रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है 5। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। क्वेश्चन नंबर 19, मेकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 अप्रैल 1914। क्वेश्चन नंबर 20, दक्कन का पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ था? दक्कन का पठार कौन से क्षेत्र में बच्चों, ये आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तू दक्कन है, मैं तुझे हार गया समझाते समझाते, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार, धुआं किस लकड़ी में से निकला था? नरम, नरम मतलब नर्मदा नदी, ऐसे याद कर सकते हैं। नरम लकड़ी में से धुआं निकलता है ना, गीली लकड़ी में से, नर्मदा नदी पर स्थित है और है कहाँ बच्चों ये आपको धुआंधार जलप्रपात? राइट आंसर होगा जबलपुर, जलने के बाद, जबलपुर को जलने से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पूरे खा रहा था बच्चों धूम में बैठ कर, धूपगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोधी बेटा किसकी? नीलगिरी की। अन्नाई मुड़ी किसकी? अन्नी मुड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर सी, चीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान, किसान है किसान के बच्चों चरण छूने चाहिए, चौधरी चरण सिंह। क्लियर है जी। लाल बहादुर जी आपको जैसे कि इंदिरा गांधी का क्या बच्चों, नारी शक्ति जिंदाबाद है ना, ठीक है जी, शक्ति स्थल ठीक है। जगजीवन राम का बच्चों समता स्थल है। गांधी जी का कौन सी है बच्चों? राजघाट है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रातः काल की शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 की आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 28, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 28 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1979 को। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दंड संहिता में धारा 302 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हत्या से। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा, कानून मंत्री कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है जी। सलाहकार कौन थे? बीएन राव। क्वेश्चन नंबर 31, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? भय लगता है बच्चों मोर से, छोटे बच्चों को मोर से भय लगता है, मोर बोले तो मोरारजी देसाई, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है जी। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1968। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बैटिक। क्वेश्चन नंबर 37, चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा चेत्रा भूमि, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 39, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर।
क्वेश्चन नंबर 40, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन थे। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8%। क्वेश्चन नंबर 42, किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 43, हर सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आदि। क्वेश्चन नंबर 44, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने के अक्षर उभरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असंजक बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है। पीतल, पीताजी, याद करना पीताजी। तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निकल की। क्वेश्चन नंबर 46, सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनिरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है। 48 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 161। और भाई आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चों, दोनों अधिवेशन की संयुक्त बैठक करते हैं। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं बच्चों, आर्टिकल नंबर 143 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट है, महाभियोग है राष्ट्रपति जी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है। 49 का आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर ए, आर्टिकल नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, भाग 20। बच्चों ये संविधान के भाग की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यदि आपने ये तीन लाइन याद कर ली संविधान के 22 के 22 भाग आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।